आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। दुमका विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए एनडीए प्रत्याशी के तौर पर भाजपा नेत्री लुईस मरांडी ने आज दुमका के निर्वाची पदाधिकारी महेश्वर महतो के कक्ष पहुंचकर एक सेट में अपने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। नामांकन के पूर्व एनडीए प्रत्याशी लुईस मरांडी ने शहर के विभिन्न मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की। एनडीए प्रत्याशी के नामांकन के मौके पर झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उराव, राजमहल विधायक अनंत ओझा के अलावा जदयू, आजसू और लोजपा के कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। बताते चले कि 2019 के विधानसभा चुनाव में लुईस मरांडी भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में थी और वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 13,181 मतों से हार गई थी। हेमंत सोरेन दुमका सीट छोड़ने के कारण यहां उपचुनाव हो रखा है। इस उपचुनाव में भाजपा ने लुईस मरांडी को पुनः मैदान में उतारा है। दुमका विधानसभा का उपचुनाव 3 नवंबर को होना है। दुमका से विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। कोई लोगों नहीं लगा रहा, हाँ जी, आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अभी नामांकन करके हम बाहर निकले हैं और आप लोगों से सीधे सीधे रूबरू हो रहे हैं। बिल्कुल हमारे कार्यकर्ता जोश से भरे हुए हैं, उत्साह से भरे हुए हैं और तैयारी के साथ हम लोग मैदान में उतर रहे हैं। क्योंकि बसंत स्वयं आपकी कितनी बड़ी चुनौती होगी? चुनाव चुनाव होता है, चुनौती अपने जगह पर है, लेकिन कोई भी प्रत्याशी अगर मैदान पर उतरता है तो बिना तैयारी के नहीं उतरता है, तो हमारे लिए चुनौती हम उसको नहीं कहेंगे। हम तो मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं और जनता के बीच अपने बातों को रखने का हम लोग प्रयास करते हैं। पिछले दिनों का लोगों ने हर तरह का एक्सपीरियंस, मेरे कार्यकाल का भी लोगों का एक्सपीरियंस है और इस सरकार का भी लोगों को एक्सपीरियंस है, तो इस दोनों एक्सपीरियंस को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। मैडम एक बात बताइए कि वहाँ जो है बेरमो में जो चुनाव है वहाँ राजेंद्र सिंह के बेटे हैं और यहाँ पे मुख्यमंत्री के बेटे हैं, तो क्या लगता है कि वंशवाद ही चल रहा है? हम दुमका का राजनीति करते हैं, हम दुमका का बात करते हैं। निश्चित रूप से हम आपके सामने यह कह सकते हैं कि हम यहाँ की बेटी हैं, यहाँ की बहन हैं, यहाँ हम स्थानीय उम्मीदवार हैं। जो आप हमारे सामने जो चुनाव लड़ रहा है वो हमारे बाहर से आके यहाँ चुनाव लड़ रहा है, तो मेरा स्थानीय ही एक मुद्दा है। क्या मुद्दा है? स्थानीय उम्मीदवार को प्राथमिकता मिले। लेकिन मैम